हेलो बच्चों, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हर साल लाखों की संख्या में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आईआईटी की तैयारी करते हैं, और बच्चों उनके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है, और वो क्वेश्चन होता है कि हिंदी मीडियम के कितने स्टूडेंट्स आईआईटी में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो बेटा, अगर आपको आईआईटी में सिलेक्ट होना है तो बेटा कहीं ना कहीं ये जानना ज़रूरी है कि हर साल आईआईटी में कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। तो बेटा, एक चीज़ मैं आपसे साथ बिल्कुल जेन्यून वे में शेयर करना चाहूँगा, जो बेटा समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेटा, पहली चीज़ तो ये है कि जो सिलेक्शन होता है बेटा, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम पे मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। सिलेक्शन मैटर करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है कैंडिडेट पर। अगर बेटा कैंडिडेट चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, अगर बेटा जो बच्चा मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन पहले होगा, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। और बेटा बात करें अगर सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी मीडियम के, तो बेटा ये आप मान के चलिए कि बेटा अगर हम आईआईटी की टोटल बात करें, बेटा आप ये मान के चलिए कि बेटा किसी इंस्टीट्यूट में बेटा अगर 1000 बच्चों का बैच है, अगर किसी इंस्टीट्यूट में बेटा 1000 बच्चों का बैच है और बच्चों वो बच्चे क्या है, 12th पास आउट हैं, जो सिर्फ पहली बार तैयारी कर रहे हैं, 12th पास आउट बच्चे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मीन्स ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं। तो बेटा मानकर ये चलिए कि 1000 बच्चों में से 5 से 10 बच्चे ही आईआईटी में सेलेक्ट होने वाले हैं। ये बेटा बिल्कुल जेन्युइन रियलिटी है। अब बेटा वो बच्चे हिंदी मीडियम के भी हो सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी हो सकते हैं। अब कितने हिंदी मीडियम के होंगे, कितने इंग्लिश मीडियम के होंगे, ये बिल्कुल क्लियर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मैं आपको ये एक रेंज बता सकता हूँ कि भाई इस तरीके से सिस्टम रहता है। और बेटा हर इंस्टीट्यूट में इसी तरीके से रहता है। बेटा बचे हुए बच्चे कहाँ जाते हैं, क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, तो बेटा बचे हुए बच्चे जाते हैं एनआईटी में जाते हैं, ट्रिपल आईटीस में जाते हैं, सीएफटीआईएस कॉलेजेस में जाते हैं, जब इनमें नहीं होता तब कहाँ जाते हैं, तो स्टेट के जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनमें चले जाते हैं। जिन बच्चों का उसमें जाने का मन नहीं होता है वो क्या करते हैं, वो करते हैं सीयूईटी का एग्ज़ाम देते हैं। सीयूईटी के एग्ज़ाम के थ्रू जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, उनमें चले जाते हैं। जिन बच्चों का उनमें भी नहीं होता है वो क्या करते हैं, वो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाते हैं। कहने का मतलब है अगर आपने बेटा तैयारी करी है तो जगह तो मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, लेकिन अगर आईआईटी में जगह चाहिए तो फिर मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। कहने का मतलब वही है कि सिलेक्शन जो होगा वो आपकी मेहनत डिसाइड करेगी आप कहाँ पहुँचने वाले हो। और बेटा किसी व्यक्ति के बारे में उसको देखकर ये कभी नहीं कह सकते कि इसका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा, बिकॉज बेटा कंपटीशन में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो बच्चा मॉक टेस्ट देगा, मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करेगा, सोल्यूशन करने के बाद एनालाइज करेगा कि उसकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और वो गलतियों को सुधारेगा, तो ये पक्का तय है कि उसकी जब गलतियाँ सुधरती सुधरती एक स्टेज पर आ जाएंगी कि वो गलती करना क्या ख़त्म कर देगा और उस स्टेज पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने देखा हुआ है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ बुक पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं और सोचते हैं सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा ऐसे नहीं होता है। बेटा इंडिया के टॉप कॉलेजेस में बेटा जाने की बात कर रहे हो, आईआईटी की बात कर रहे हो, तो बेटा एक बच्चा तैयारी कर नहीं रहा है, 15-16 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अब उन 15-16 लाख बच्चों में से आपको सिलेक्ट होना है और आपको जो है टॉप सीट्स में आना है, तो वो कैसे संभव होगा? वो संभव होगा आपकी मेहनत से, आपके पढ़ने से, सही तरीके से अपने पैटर्न को फॉलो करने से, अपने रिवीजन करने से, अपने सिलेबस को करने से। अगर सिस्टमेटिक वे में सारे काम किए जाएंगे तो बच्चा चाहे हिंदी मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे आईएससी बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो, वो अच्छा कर लिया जाएगा और अपना रिजल्ट आईआईटी में लेके आएगा। बेटा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो बेटा हार्डवर्क होता है वो टैलेंट को मात दे देता है।
अगर कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड का है, हम मानते हैं वो थोड़ा स्ट्रांग होगा यूपी बोर्ड वाले बच्चे से, लेकिन अगर यूपी बोर्ड वाला बच्चा मेहनत करेगा तो बेटा वो सीबीएसई वाले बच्चे को पीछे छोड़ देगा। क्योंकि यहाँ पर मैटर ये नहीं करता है कि आप किस बोर्ड से हैं, यहाँ पर मैटर ये करता है कि आप उस सीबीएसई बोर्ड वाले से, आईएससी बोर्ड वाले से कितने ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। इसी तरीके से आप किसी भी बोर्ड में हो, बोर्ड कभी भी मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ एक ही चीज़ करती है, वो करती है क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो। अगर बेटा आपको इंग्लिश प्रॉब्लम कर रही है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, तो बेटा आज की डेट में बायलिंगुअल बुक्स आती हैं, मींस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में सेम बुक आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, सेम बुक को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ले सकते हैं। और अगर बेटा आप चीज़ों को फॉलो करते हैं, समझते हैं, सिस्टमेटिक वे में लेके आते हैं, तो अगले खिलाड़ी तुम बनोगे आईआईटी कॉलेज के। अब ये डिसाइड करना है कि आईआईटी कॉलेज तक पहुंचना है या सपने में खो जाना है। तो मुझे लगता है कि पहुंचना तो हो गई बेटा, सपने देखना चाहिए लेकिन उनको पूरा करने के लिए उतनी मेहनत करनी चाहिए। अगर मेहनत करोगे तो एक दिन वो जरूर आएगा कि सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और अगर सिर्फ ये सोचो कि सब कुछ अपने आप हो जाए, तो बेटा अगर सब कुछ अपने आप होता तो आज क्यों इतनी सारी कोचिंगें खुली होती, क्यों बच्चे पढ़ाई कर रहे होते, क्यों बच्चे स्कूल जा रहे होते। बेटा कंपटीशन है तो पढ़ना पड़ेगा, अगर बुलंदियों पे पहुंचना है तो मेहनत भी बेटा उसी के मुकाबले करनी पड़ेगी, अदरवाइज पीछे रह जाओगे। अब ये तुमको डिसाइड करना है कि पीछे रहना है या आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ने के लिए स्टेप लोगे तो वो दूर दूर नहीं कि सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। तो मैं बस बेटा तुमसे वीडियो के एंडिंग में ये कहूँगा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कई बार अक्सर मन ही मन में बहुत कुछ सोचते हैं, निराश होते हैं, उदास होते हैं। तो बेटा निराश उदास परेशान नहीं होना है, आपके पास कॉलेजेस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया। लेकिन अब जंग सिर्फ इस चीज़ की है कि हमें आईआईटी में ही जाना है, और अगर आईआईटी में ही जाना है तो तैयारी जोरों से करना शुरू कर दीजिए। अगर तैयारी जोरों से करना शुरू कर देंगे तो जोरों से ही आपका एक अच्छा बेहतरीन बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। और उस रिजल्ट के बाद ना सिर्फ आप, आपका फैमिली, आपके टीचर, वो सब लोग हैप्पी रहेंगे। और बच्चों यदि आप आईआईटी की कोचिंग के लिए बेटा कानपुर में कोचिंग सर्च कर रहे हैं तो बेटा आप आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर आईआईटी जेई की तैयारी काफ़ी अच्छे से करवाई जाती है। और बच्चों कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।